अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं महबूब इलेक्ट्रिक डी आई वाई। दोस्तों ये डीसी पेडेस्टल फ़ैन है, ये बिल्कुल नया फ़ैन है और इसकी जो स्पीड है वो स्लो है। ये नीचे देखें लिखा हुआ है 12 वोल्ट बैटरी और सोलर प्लेट के पर चलने के लिए पंखा है ये, और इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो है। तो इसे खोल के इसकी मोटर जो है दोबारा वाइंड करेंगे, ये सारा कुछ आपको दिखाएँगे, इसके अंदर जो आर्मेचर है उसे रिवाइंड करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो नए देखने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसे दबा दें, ताकि हम आपके लिए जो भी अच्छी वीडियो बनाए उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। और कुछ लोग कहेंगे कि आर्मेचर की डीसी जो वीडियो हैं पहले भी हमारे चैनल पर हैं, लेकिन पहले हमारे चैनल पर थी लेकिन वो डिलीट हो चुकी हैं तमाम की तमाम वीडियो। तो दोबारा जो है हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी हमारे दुश्मन ने हमारे चैनल को हैक करके जो तमाम वीडियो थी वो डिलीट कर दी हैं। तो इसलिए हम दोबारा जो है आर्मेचर की वाइंडिंग की और तमाम वीडियो जो हमारे चैनल के ऊपर थी, तकरीबन 160 वीडियो थी, तो दोबारा हम तमाम वीडियो बनाएंगे। ये पंखा बिल्कुल नया है और मोटर भी नई है, लेकिन इसके अंदर जो वाइंडिंग वाली जो तार है आर्मेचर में वो बारीक नंबर है, थोड़ा सा 2 नंबर तार को मोटा करेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। पीछे वाली इसकी जो प्लेट है 4 लॉक लगे हुए हैं, लॉक को आराम से आप खोलेंगे, क्योंकि अगर ये टूट जाए तो दोबारा मोटर को फिट करने के लिए मुश्किल होगी। अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं या व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं कि आर्मेचर को शुरू किस जगह से किया जाए, कैसे पता चलता है, ये भी मैं आज आपको इंशाल्लाह बताऊंगा किस तरीके से आर्मेचर को कहां से शुरू किया जाता है, जिसका जो पहला कोयल है। ये देखें आपके सामने है, ये बिल्कुल नया आर्मेचर है, इसका कम्यूटेटर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल साफ है, अभी तक ये चला भी नहीं है, तो इसकी स्पीड स्लो है। इसकी स्लाट के अंदर गुंजाइश देखें, बिल्कुल खाली स्लाटें हैं, तार का नंबर बारीक है, तार कम है इसमें, तो तार इसमें ज़्यादा डालेंगे और नंबर भी मोटा करेंगे। ऊपर वाले जो 2 कोयल आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर एक साइड में 1 कोयल है और दूसरी साइड में उसके ऊपर कम्यूटेटर के 6 पीस होते हैं, तो दरमियान वाला जो कुंडा है 6 पीस हैं कम्यूटेटर के, तीसरे कुंडे से इसे शुरू करना है। ये वेंड करते वक्त मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे टेस्टर आप देख रहे हैं इस जगह पे इसका ऊपर वाला जो सिरा है वो लगा हुआ है। कोयल के ऊपर 6 टोटल पीस हैं और तीसरा जो पीस है कम्यूटेटर का, वहाँ से इसका पहला सिरा शुरू करना है। ये वेंड करते वक्त मैं ये सारा कुछ मज़ीद आपको दिखाऊंगा। और कम्यूटेटर के जितने भी ये पीस हैं, इसके जो ऊपर कुंडे लगे हुए हैं, ये नीचे इनको प्रेस किया हुआ है, तो इसे ऐसा से इसे ऊपर जो है कर लें और आसानी से तार निकाल लेंगे सारी इससे।
इसके हर कोयल में तकरीबन 21 टर्न दिए गए हैं। इसका जो गेज नंबर चेक करेंगे और जो इसका नंबर होगा, इससे तकरीबन दो नंबर जो है तार को मोटर नंबर डालेंगे। इसका नंबर आपके सामने चेक कर रहे हैं, माइक्रोमीटर के ऊपर आप देख सकते हैं। डायग्राम के मुताबिक इसका जो पहले वाला नंबर निकला है वो 25 नंबर है, तो इसमें अब हम 23 नंबर तार डालेंगे। पहले इसका जो तार इससे निकली है उसका वज़न तकरीबन 60 ग्राम था, तो अब हम इसके अंदर थोड़ी सी तार का वज़न बढ़ाया है, तकरीबन 80 ग्राम इसमें टोटल तार डालेंगे। और तार के दो टुकड़े करने हैं आपको 80 ग्राम के, और एक साइड से एक टुकड़ा और दूसरी साइड का दूसरा टुकड़ा शुरू करेंगे। ये मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, सलाड के ऊपर वाला जो कुंडा है उसे आप निशान लगा लें, और 6 की पिच में इसका जो कोयल है बनाना है, तो जो छठी सलाड है उसके ऊपर वाला कुंडा, फिर उसके ऊपर भी निशान लगाएंगे। ये छठा कुंडा है इसका, अब एक कोयल के ऊपर 6 कुंडे हैं टोटल, तो इसका सिरा जो पहला है वो किस जगह से शुरू करना है ये आपको मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। पीछे वाला जो निशान है, पीछे वाले निशान से आगे आप तीसरे कुंडे पे तार आपको टच करनी है, आगे वाले निशान से पीछे को तीसरे कुंडे पे आपने तार टच करनी है। हो सकता है दोस्तों, हो सकता है अगर थोड़ी सी समझाने में आपको मैं मिस्टेक कर रहा हूं, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कम्यूटेटर के ऊपर जिस जगह पे हमने निशान लगाए हैं और कहां से शुरू किया गया, ये सारा कुछ आपके सामने है बिल्कुल।
तार को थोड़ा सा प्रेस इसलिए कर लें कि ज़्यादा तार ऊपर उठ जाने से इसमें तार जो है बहुत ज़्यादा डलेगी और कम्यूटेटर के जो कम्यूटेटर है उससे अटैच हो जाएगी। दूसरा कोल जिस साइड से बनाना है उसके सलाड के ऊपर वाला जो कुंडा है उसके ऊपर निशान लगा रहे हैं। दो तीन एक कोयल इसका एक साइड पे बनाएंगे और दूसरा कोयल दूसरी साइड का, तो तरतीब से कोयल बनाने हैं इसके। कोयल को जब आप बनाएंगे तो अच्छे तरीके से बिल्कुल फुल कस के इसे टर्न देने हैं, इसके अंदर तार ढीली ना रह जाए। तार की जो जगह अपने कुंडे में लगानी है उसे अच्छे तरीके से उसका इंसुलेशन जो है साफ करना लाजमी है। अगर कोई एक पॉइंट इसमें मिस हो जाए, उसे करंट ना मिले, तो इसकी स्पीड है स्लो हो जाएगी। तमाम कोयल की जो पेच है ये 6 की पेच है और आगे की तरफ आपने कोयल बनाना है। एक कोयल बना के फिर आगे की तरफ जाना है।
पहले भी इससे जो तार हमने निकाली है वो कॉपर की 25 नंबर थी और अब हम इसमें 23 नंबर वो भी कॉपर में डाल रहे हैं। सिल्वर की तार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर की तार जब कुंडे पे लगाया जाता है तो अक्सर जो है टूट जाती है। कॉपर की तार की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा है, इसे जंग भी नहीं लगता, जो सिल्वर में है उसे जल्दी जंग लग जाता है। हर कोयल बनाने से पहले इसकी जो पिच है उसे गौर से देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक स्लॉट की आप पिच जो है गलत रख दें 5 में